जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के ट्रेनिंग के संबंध में। एसएससी जीडी की ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग में रनिंग कितनी किलोमीटर की होती है, ट्रेनिंग में पीटी के कितने परेड होते हैं, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद, मैं ज्ञानेश्वर गायवट, कमांडो एंड फिजिकल ट्रेनर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कई सारे लड़कों को मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी की ट्रेनिंग में कितने किलोमीटर की रनिंग होती है, सर पीटी के कितने परेड होते हैं, सर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सर हमें अभी से तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, किसी का आने वाला होगा, ठीक है, किसी का बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का सीआईएसएफ में, किसी का सीआरपीएफ में, किसी का एसएसबी में, किसी का आईटीबीपी में। दोस्तों, आपको डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। चाहे रनिंग, कई सारे लड़के बोल रहे थे सर हमने सुना है कि 20 किलोमीटर की रनिंग होती है, 25 किलोमीटर की रनिंग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। पहली बात तो आपको टेंशन लेना नहीं। दूसरी बात दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको पीटी उस्ताद मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल ट्रेनर मिलेंगे, पीटी उस्ताद मिलेंगे। वो ये नहीं है कि आपको पहले ही जाते ही एक दिन में आपको 20 किलोमीटर दौड़ा दे या 25 किलोमीटर दौड़ा दे, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तो आपका बॉडी पहले ट्यूनअप करेंगे, ठीक है, आपको पहले आप उनको पता है कि आपने 5 किलोमीटर दौड़ करके ही आप भर्ती हुए हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाने के बाद में टेंशन लेना नहीं है, आप बढ़िया से रनिंग के लिए बढ़िया से शूज खरीद लो, ठीक है, बढ़िया से रनिंग, क्योंकि आपका डेली का दौड़ना भागने का काम होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, आपको सुबह 6 बजे से आपका मार्कर लगेगा, तो 6 बजे से आपका पीटी परेड शुरू हो जाएगा। पीटी परेड दो परेड होते हैं, कितने परेड होते हैं दो परेड में। दोस्तों, आपको दो परेड में एक परेड होता है 40 मिनट का, 40 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, 40 मिनट के बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, 5 मिनट के बाद में फिर 40 मिनट का एक पीरियड होगा, ठीक है, यानी दो पीरियड, 40-40 मिनट के दो पीरियड, 80 मिनट में आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है। उसमें सुबह आपका नॉर्मली सुबह आप जब जाओगे बॉडी को पहले वार्म अप किया जाएगा, बॉडी को वार्म अप होने के बाद में फिर आपको रनिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका 1.6 रनिंग, 1.6 किलोमीटर, ठीक है, फिर आपका जैसे बॉडी अप ट्यून अप होती है, फिर 2.4 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 3.2, फिर आएगा आपका 5 किलोमीटर का रनिंग, 5 किलोमीटर रनिंग जैसे ये हो जाते हैं, फिर आपका 8 किलोमीटर का रनिंग होगा, 8 किलोमीटर के रनिंग के बाद में आपका फिर 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, 10 किलोमीटर के बाद में आपका 14 किलोमीटर का भी रनिंग होगा, 14 किलोमीटर रनिंग जैसे आपका हो जाता है, फिर आ जाए 16 किलोमीटर रनिंग होगा, 16 किलोमीटर के रनिंग के बाद में 18 किलोमीटर रनिंग होगा, 18 किलोमीटर रनिंग जैसे हो जाएगा, फिर 20 किलोमीटर, फिर 22 किलोमीटर और लास्ट एंडिंग में आपका 24 किलोमीटर का रनिंग होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग में है दोस्तों, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप ट्रेनिंग करोगे, जैसे आपकी बॉडी ट्यूनअप हो जाएगी, जैसे आप जो आला आपके लड़के साथ में रहेंगे उनके साथ में आप घुल मिल जाओगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जो आपके पीटी उस्ताद रहेंगे वो आपको सब कुछ बता देंगे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्या क्या, कई लड़के बोल रहे हैं सर सीटअप्स कितने मारने पड़ते हैं, अब तो आपको अभी ट्रेनिंग में गए ही नहीं है, पहले से टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आप ट्रेनिंग में गए ही नहीं है, पहले टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आपका पुशअप भी लगाने पड़ेंगे, सीटअप लगाने पड़ेंगे, वो आपके जो फिजिकल ट्रेनर रहेंगे वहाँ पे जो आपके पीटी उस्ताद रहेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और हर एक की टेस्ट पॉलिसी अलग अलग होती है, टेस्ट में रहेगा तो टेस्ट पॉलिसी अलग अलग होती है, हर पीटी उस्ताद आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो जो पीटी उस्ताद रहेंगे वो क्वालिफाई उस्ताद रहेंगे आपके साथ, ठीक है, वो सब कुछ आपको बता देंगे क्या
क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कितने बीम लगाने हैं, कैसे बीम लगाने हैं, कैसे लगाने से आप ज़्यादा बीम लगा सकते हो, आप चिनअप लगा रहे हो तो कैसे लगाने से आप ज़्यादा चिनअप लगा सकते हो, क्या आप गलत कर रहे हो, ये सब कुछ आपको बताया दिया जाएगा। और रही बात और क्या क्या इवेंट होते हैं, सबसे पहले आपका चिनअप हो जाएगा, पुशअप्स, सीटअप्स, आपका रस्सा वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग करना पड़ेगा, मंकी रोप भी आपको करना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको जो आपके पीटी उस्ताद रहेंगे वो आपको बता समय समय पर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आपको उसमें कोई टेंशन रहना नहीं है। सुबह आपका जो दो परेड है पीटी हो जाएगा, पीटी करने के बाद में आपको दो परेड समझ में आ गए, 40-40 मिनट का एक परेड, 40 मिनट के एक परेड के बाद में आपका दूसरा परेड के लिए बीच में 5 मिनट का जो ब्रेक दिया जाता है उसमें क्या होगा, आपका 5 मिनट के ब्रेक में पानी पीने के लिए जाओ या पेशाब जिसको करना है वो, उसमें आपका 5 मिनट का ब्रेक, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 5 मिनट के ब्रेक में बाद में फिर आपका 40 मिनट का पीटी हो जाएगा। पीटी होने के बाद में आपको मतलब एक घंटे का या 40 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, वो इसलिए आप नाश्ता करने के लिए, ठीक है। नाश्ता करके आने के बाद में, नाश्ता करके आ गए, फिर आपका ड्रिल चलेगा, ड्रिल वेपन की क्लास, आपकी गूगल मैप की क्लास, ठीक है, आपका फिर मैप की क्लास अलग आ जाएगी, फिर आपको कंपास के थ्रू दिशा का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप नाइट आप हॉल्ट करते हो, कहीं नाइट में जा रहे हो तो आपको कहीं हॉल्ट करना पड़े, तो आपको रात को ही अगर कहीं मार्च करना है, कहीं ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको दिशा का ज्ञान दिया जाता है। कैसे अगर आपके पास पूरे अंधेरा है और आप कैसे दिशा ज्ञात करोगे, जैसे उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, फिर आपको किस दिशा में जाना है, मैप में कैसे देखना है, उस जैसे कई सारे इम्पोर्टेंट क्लास आपको चलाए जाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आप जब वो क्लास में हमेशा 99% ध्यान रखो, वो आपको भविष्य में काम आएगा, ठीक है। आपको जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप सर्विस बटालियन में जाओगे तो वो बहुत आपको काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जो भी आपके क्लास चलेंगी, जैसे वेपन की हो गई, ड्रिल की हो गई, आपका मैप की हो गई, जैसे आपकी गूगल मैप की हो गई, ऐसी कई सारी क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी, आपको लॉ भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको धाराओं का भी ज्ञान दिया जाएगा, तो उसमें आपको रुचि लेके पढ़ना है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। हमने भी ट्रेनिंग किया, कोई मतलब इतना कोई इशू नहीं है। जब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब आप रनिंग करते हो तो जूता अच्छा पहनना और सॉक्स बढ़िया पहनना, क्योंकि आपकी जब रनिंग करोगे तो पूरा आपका शरीर का वेट कहाँ आता है, आपके पैरों के ऊपर। अगर आपके पैर, एक हिंदी में एक कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, अगर आपके पैर ही कंडम हो गए, अगर पैर ही आपके मतलब दर्द करने लगे तो आप चल नहीं पाओगे, आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपको फिर आधे मिनट आपको ट्रेनिंग छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपके पैरों के ऊपर, आपके जूते के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, अच्छे क्वालिटी के जूते पहनो, ठीक है। और कोई ये मना नहीं करेगा कि आप ये जूता क्यों पहना है, ऐसा जूता क्यों पहना है, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि आप अच्छे जूते पहनो, ठीक है। तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी जानकारी थी ट्रेनिंग के संबंध में वो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।